हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका जो 9 अगस्त को हुआ है, उसी का सॉल्यूशन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और इसमें जो है सामान्य अध्ययन के सभी को प्रश्नों को जो है आपको दिखाया जाएगा कि कौन सा प्रश्न आपसे पूछा गया है और इसका क्या आंसर है। तो देखिएगा, यहाँ पर यदि क्वेश्चनों की बात की जाए तो प्रथम क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिएगा, पहले जो शिक्षा मंत्री का पदभार था वो एक मुस्लिम व्यक्ति थे जिनका नाम अबुल कलाम आज़ाद था, और वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री हैं वो है रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, धारा 302, जो धारा 302 है ये कानून की, ये किसके अंतर्गत आती है? तो धारा 302 के अंतर्गत आती है जब कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो उस पर धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा और सजा उसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है, बाबर का जो राज्याभिषेक है वो कब हुआ? देखिएगा, बाबर का जो राज्याभिषेक है वो 1504 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट बात की जाए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने का कार्य होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो यहाँ पर राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हिंदी और अन्य पार्टों का भी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। बिल्कुल ऑथेंटिक चैनल है, यूपी बीएड के लिए स्पेशल है, तो आपको आगे की जानकारी भी दी जाएगी, काउंसलिंग आपको कैसे करानी है, किस तरीके से आगे की प्रक्रिया होगी। यहाँ पर क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है कि जम्मू कश्मीर की राजभाषा क्या है या डोगरी किस राज्य की राजभाषा है, इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो डोगरी और जम्मू कश्मीर, जो भी ऑप्शन हो वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली देखिएगा, पहले जो थी वो कोलकाता थी भारत की राजधानी, और 1912 में ये स्थान अंतरित कर करके दिल्ली बना दी गई। तो दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी 1912 में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला मैदान, इसका जो नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में है फिरोज शाह कोटला मैदान या अरुण जेटली स्टेडियम। नेक्स्ट बात करते हैं, कांग्रेस का जो विभाजन है वो कब हुआ? तो देखिएगा, कांग्रेस का विभाजन हुआ था सन 1907 में सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, रहीम किसके दरबारी कवि थे? तो रहीम जो हैं अकबर के दरबारी कवि थे, और इनको अब्दुल रहीम खाने खाना भी कहा जाता है, इन्हें खाने खाना की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट बात की जाए अगले क्वेश्चन की ओर, तो प्रकाश की चाल यहाँ पर पूछी गई थी, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, और यहाँ पर प्रकाश की चाल की यदि बात की जाए तो 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास इसकी चाल होती है। संविधान जो है भारत का कब अपनाया गया? तो देखिएगा, संविधान जो है अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, और यहाँ पर जो है यदि इसको पूर्ण रूप से लागू करने की बात की जाए, क्योंकि इसमें जो है कुछ और जोड़ा गया था, तो 1950 में 26 जनवरी 1950 में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। तो जो भी आपका ऑप्शंस है वहाँ पर आप जो है सही मार्क्स करके आए होंगे, आशा कर सकता हूँ। सभी मित्र जो हैं कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, अटैम्प्ट किए हैं, जिससे कट ऑफ का सही अनुमान लगाया जा सके। गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो अपना उत्तर प्रदेश इसमें प्रथम राज्य है। उत्तर प्रदेश में ही गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है और गन्ने का भी। नेक्स्ट बात की जाए, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो पहला जो परमाणु रिएक्टर था वो है आपका अप्सरा। अप्सरा इसके लिए राइट आंसर होगा, जो भी आपका वहाँ पर विकल्प होगा। क्वेश्चन पूछा गया है रेड क्रॉस के बारे में कि रेड क्रॉस क्या है? तो रेड क्रॉस मानव अधिकार के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका विश्व स्तर पर है। तो मानव अधिकार की एक संस्था है रेड क्रॉस, जिसका मुख्यालय जो है जनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट बात करते हैं, महानदी का उद्गम स्थान पूछा गया था, तो ये जो है सिहावा नामक पर्वत से निकलती है जो धमतरी जिला रायपुर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, संगीत मिर्ची अवार्ड पूछा गया था, तो काफ़ी लोगों का मत था कि ये 2020 का पूछा या 19 का पूछा, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो देखिएगा, देवधर ट्रॉफी जो होती है वो क्रिकेट का एक कप है,
और ये जो है आपके यहाँ पर खेला जाता है इंडिया के अंदर, और यहाँ पर लीग मैच में ये होती है। मूल अधिकार किस भाग में है भारतीय संविधान के? मूल अधिकार जो हैं सभी भारतीय संविधान के भाग तीन में स्थित हैं, और 12 से और आपके जो हैं यहाँ पर 35 अनुच्छेद तक ये मूल अधिकार वर्णित हैं। पेरियार नदी कहाँ पर है? तो पेरियार नदी जो है केरल की एक प्रमुख नदी है, तो केरल इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कहाँ पर है? तो ताजमहल आप समझ सकते हैं कि शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई एक महत्वपूर्ण इमारत है, जो दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है, और ये आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक। तो देखिएगा ये जो है बीजेपी के जो एक समझ सकते हैं जिन्होंने स्थापना की थी उनके साथी थे अटल बिहारी वाजपेयी के, और ये कई बार जो हैं प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी रहे लेकिन बन नहीं पाए, तो लाल कृष्ण आडवाणी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। और ये पुस्तक जो है लगातार पूछी जाती है, तो आप इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा, अगले एग्जाम में भूलने ना पाए। जो है श्वेत क्रांति जिसको कहा जाता है वो भारत में लाई थी, और जहाँ से दूध उत्पादन जो है कई गुना बढ़ चुका था, और आज स्थिति ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन जो है भारत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। तो देखिएगा यहाँ पर प्राचीन विश्वविद्यालय की यदि बात की जाए तो नालंदा आपका है, और ये जो है बिहार में स्थित है, ये भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय है, और यहाँ पर पहले से ही विश्व के जो छात्र हैं वो पढ़ने आते थे, और अब भी इसकी ख्याति जो है बरकरार है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ली थी? तो देखिएगा कई वर्षों के बाद जो है बीजेपी अस्तित्व में आई, और 2014 में आखिरकार उन्होंने चुनाव जीता और नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने। तो ये जो तिथि थी ये थी आपकी 26 मई 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। दोस्तों सामान्य अध्ययन के ये कुछ क्वेश्चन हमारे जो है मिले हैं एग्जाम सेंटर से, और काफ़ी क्वेश्चन रह गए हैं जो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, और इसके बाद जो है हिंदी के भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।